फ्रेंड्स hey आज प्रोपोजिशन लॉजिक में हम नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में देखेंगे जिसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के बारे में सो व्हाट इज कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और सी एन एफ इट इज अ कंपाउंड प्रोपोजिशन पी विच इज सेट टू बी सी एन एफ ऑफ आर सिंपल प्रोपोजिशंस पी वन पी टू अप टू पी आर क्या बोल रहा है कि ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है दैट इज सम कलेक्शन ऑफ प्रोपोजिशन कंपाउंड मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोपोजिशन विथ आर सिंपल प्रोपोजिशन ये आर आर पे सिंपल प्रोपोजिशन मतलब पी वन पी टू अपू पी आर आर नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस हैं जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म पी वन कंजंक्शन विद पी टू कंजंक्शन विद पी थ्री एंड सो वन यहां पे हम समझने के लिए कंजंक्शन को एंड से समझते हैं दैट इज पी वन एंड पी टू एंड पी थ्री एंड सो वन वेर यहां पर पी वन क्या है पी वन इज नथिंग बट द डिसजंक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंपल प्रोपोजिशंस और नेगेशन बोलने का मतलब है कि पी वन कुछ सिंपल प्रोपोजिशंस का कुछ मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ कुछ सिंपल प्रोपोजिशन का डिगजंक्शन है डिस्जंक्शन क्या होता है दैट इज और यहां पर एग्जाम्पल में देख रहे होंगे पी वन और पी नॉट डिग्री ऑफ पी वन और पी थ्री और पी मतलब ये कुछ फाइनाइट सिंपल प्रोपोजिशंस है उसका ये डिजंक्शन है उसको हम कंजंक्शन करेंगे विथ सम अदर डिजंक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंपल प्रोपोजिशंस आई होप आपको वो क्लियर हो रहा होगा तो इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि नेगेशन ऑफ पी वन और नेगेश पी टू और पी थ्री और पी टू कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ पी वन और नेगेशन ऑफ पी टू और नेगेशन ऑफ पी थ्री कंजंक्शन ऑफ पी वन और नेगेशन ऑफ पी टू और पी थ्री मतलब यहाँ हम कुछ सिंपल प्रोपोजिशन का डिजंक्शन कर रहे हैं ब्रैकेट में उसको कंजंक्शन कर रहे हैं हम और उस सब को मिला के कंजंक्शन कर रहे हैं तो ये सी एन एफ है यही है सी एन एफ का फॉर्म दफ सी एन एफ अगर ऐसा है तो सी एन एफ है एल सी एन एफ नहीं है तो ये क्या है किसका है विथ सिंपल यहां पर सिंपल प्रोपोजिशन क्या क्या है पी वन पी टू और पी थ्री फॉर दिस एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं नेगेशन ऑफ पी वन और पी टू कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ पी वन और पी नेगेशन ऑफ पी टू और नेगेशन ऑफ पी थ्री ये सी एन एफ है कि नहीं है ये सी एन एफ नहीं है क्यों नहीं है ये ध्यान देना है बात यहाँ पर और कि यहाँ पर हमारा एक सिंपल प्रोपोजिशन है पी थ्री जो इसमें नहीं है कहाँ पे पर इन दिस बैकेट हर एक में मेरा कंप्लीट होना चाहिए दैट इज यहाँ पर P1 P2 P3 है तो यहाँ भी P1 P2 P3 तीनों ही होना चाहिए आइर P1 P2 P3 होगा या नेगेशन ऑफ दैट हो सकता है तो यहाँ देखिए इट इज नॉट अ सी एन एफ सिंस द एक्सप्रेशन दिस वन नेगेशन ऑफ P1 और P2 टू इज डज नॉट कंटेंस P3 और इट्स नेगेशन यहाँ पर इसका P3 है उसका नेगेशन नहीं है अगर मुझे इसके सी एन एफ बनाना है तो यहाँ पर मुझे एक डिसजंक्शन के साथ इस ब्रैकेट के अंदर ही डिसजंक्शन के साथ p3 या नेगेशन ऑफ p3 लिखना होगा तो ही ये cnf बनेगा आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा नेक्स्ट uh, वन p डिसजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ p एंड q ये तो सिंपल है कि ये नॉट अ cnf है भाई बिकॉज़ हमें पता है कि जो ब्रैकेट में होगा वो सम सिंपल प्रोपोजिशन का डिसजंक्शन होगा पर यहाँ पर तो सिंपल प्रोपोजिशन का कंजंक्शन है So, ये हमारा रूल और कन्वेंशन फॉलो ही नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली ये इट इज नॉट अ सी एन एफ नेक्स्ट नेगेशन ऑफ पी और क्यू कंजंक्शन ऑफ ऑफ अगेन नेगेशन ऑफ पी और पी इज सीएनएफ वाइट इज अ सी एन एफ बिकॉज यहां पर दो ही सिंपल प्रोपोजिशन है पी एंड क्यू और उसको हम क्या कर रहे हैं बीच में कंजंक्शन कर रहे हैं और दोनों ही ब्रैकेट के अंदर डिसजंक्शन किया हुआ है सो so, हमारा रूल या कन्वेंशन फॉलो कर रहा है एंड इट इज अ सी एन एफ विथ सिंपल प्रोविजन पी एन क्यू सो आई होप आपको सी एन एफ क्लियर हो गया होगा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग